मुआज़िज़ दोस्तों, इमरान ख़ान 25 नवंबर 1952 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी वालदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियांवाली में रिहाइश पज़ीर रहीं। वो इकरामुल्लाह ख़ान नियाज़ी के इकलौते बेटे हैं। इनकी वालदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। जवानी में इमरान ख़ान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फ़लसफ़ा और माशियात के मजामीन के साथ ग्रेजुएशन की। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान ख़ान ने क्रिकेट की दुनिया में भी अपना एक आला मकाम बनाया है और बैनुल अक्वामी सतह पर माजी में वो सियासत के बजाय क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा मशहूर रहे हैं। इन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान ख़ान मुख्तलिफ बरतानवी और एशियाई अखबारों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौमी टीम के बारे में आर्टिकल तहरीर करते रहे हैं। नवंबर 2005 को इमरान ख़ान को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर भी मुकर्रर किया गया था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इमरान ख़ान को तालिबे इल्मों के लिए एक शानदार रोल मॉडल करार दिया। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान ख़ान ने समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और अपनी वालदा के नाम पर शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से ज़ायद अतिया और फंड्स का इस्तेमाल हुआ, जबकि हस्पताल की ज़मीन इस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ ने अतिया की थी। 27 अप्रैल 2008 को इमरान ख़ान ने ज़िला मियांवाली में नमल कॉलेज नामी तकनीकी कॉलेज का क़याम किया। इमरान ख़ान की एक और फलाही तंजीम इमरान ख़ान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मोहताज लोगों की मदद करना है। 1995 में इमरान ख़ान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और इनका इस्लामी नाम जमाइमा ख़ान है। इस शादी को आलमी मीडिया ने भी खसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को इन्होंने तलाक का ऐलान किया। इमरान ख़ान का कहना था कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से इन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। 8 जनवरी 2015 को इमरान ख़ान बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफ़ी रिहाम ख़ान के साथ रिश्ता या अज़दवाज में बंध गए, लेकिन इमरान ख़ान की यह शादी भी नाकाम रही और 30 अक्टूबर 2015 को दोनों ने तलाक की कार्रवाई शुरू करने की तस्दीक कर दी। 2017 के आखिर और 2018 के आगाज़ में कई खबरें आईं कि इमरान ख़ान ने अपनी रूहानी पेशवा बुशरा बीबी से शादी कर ली है। तहम इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के दीगर अफराद ने इस अफवाह की नफ़ी की। 7 जनवरी 2018 को पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरीट ने एक बयान जारी किया कि इमरान ख़ान ने बुशरा बीबी को शादी के लिए पैगाम दिया है, तहम अभी उसे कबूल नहीं किया गया। बिल आखिर 18 फरवरी 2018 को पीटीआई ने तस्दीक की कि इमरान ख़ान ने बुशरा बीबी से शादी कर ली है। प्यारे दोस्तों, क्रिकेट करियर के दौरान में इमरान ख़ान को कई मरतबा सियासी ओहदों की पेशकश की गई। 1987 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इन्हें मुस्लिम लीग में सियासी ओहदे की पेशकश की, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने भी इमरान ख़ान को अपनी सियासी जमात में शामिल होने की दावत दी थी। ज़ियाउल हक के साथ इमरान ख़ान के अच्छे ताल्लुकात थे। 1994 के आखिर में इमरान ख़ान ने ISI के साबिक सरबरा हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी की क़्यादत में पासबान नामी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और इसी दौरान उन्होंने सियासत में बाकायदा शमूलियत में दिलचस्पी ज़ाहिर की। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कायम करके इमरान ख़ान ने सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर इन्हें कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन हालिया दिनों में
वो अपनी जद्दोजहद और असूल प्रस्ती की बदौलत पाकिस्तानी अवाम और खसूसन नौजवानों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, जिसकी बदौलत 2018 के आम इंतखाबात में इनकी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और यूं 17 अगस्त 2018 को इमरान ख़ान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बन गए।